कल पंजाब पुलिस वालों ऑपरेशन चलाया गया। सूबे भर में छापेमारी की गई। पंजाब में गैंगस्टर अतवादी गठजोड़ को ठल पाने लिए पंजाब पुलिस ने सूबे भर में छापेमारी की है। वक् वक् गैंगस्टर के खिलाफ शिकंजा कसदिया उन्होंने साथियों के 1159 तो शक्की टिकाणिया रेड की गई है। तो छापेमारी DGP पंजाब गौरव यादव के निर्देशों से सवेरे 7 बजे तो दोपहर 2 बजे तक की गई, जिस दौरान सूबे के 28 पुलिस जिले विच बारीकी के नाल तलाशी ली गई है। विशेष DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने दसिया है कि 2500 तो वध पुलिस मुलाजमान की शमूलियत वाली लगभग 625 पुलिस टीम वालों वक् वक् गैंगस्टर के साथियों के नाल जुड़े 1159 टिकाणिया ते एक कार्रवाई की गई है। तस्वीरां तुसी देख सकते हो, सूबे भर में जो रेड की गई वक् वक् तस्वीरां वक् वक् जिलों दी हैं। खन्ना, अमृतसर, जंडियाला गुरु, तरन तारण, फिरोजपुर और मोगा की यह तस्वीर है जो कि रेड की गई है। हालांकि पूरे सूबे भर में की गई है, पर उस विचों कुछ तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं। 6 थावां की यह तस्वीर है जिथे पुलिस वालों छापेमारी की गई। गैंगस्टरां दे साथियों के टिकाणियां ते यह छापेमारी उन्हां वालों की गई है। गैंगस्टरां दे खिलाफ पंजाब पुलिस वालों शिकंजा कसण दे लई यह ऑपरेशन कल चलाया गया सी। इस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को 120 ग्राम हैरोइन, 32 बोर का पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूसों सने उसनों गिरफ्तार किया गया है। 600 तो बाद पुलिस पार्टियां वालों इस ऑपरेशन नू अंजाम दिता गया। आज पंजाब पुलिस के द्वारा जो एक हमारी एक मुहिम है गैंगस्टर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स और स्मगलर्स के खिलाफ, उसी की कड़ी में आज एक बड़ा ऑपरेशन पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन में जो एक हमारा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है गोल्डी बराड, उसके जितने एसोसिएट्स हैं उनके घरों पे, ठिकानों पे छापेमारी की गई और 1000 से ऊपर जगह हमने ये छापेमारी की। हमारे सीनियर ऑफिसर्स, SSP रैंक के ऑफिसर्स ने इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया, इसको सुपरवाइज किया और इसके रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे हम आपसे साझी करेंगे। पंजाब में वी आर टोटली कमिटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस एट एनी कॉस्ट। वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिसरप्ट द पीस। As a matter of fact, I would like to tell you that all major cases have been traced in a record time in last 1 year. The recoveries under NDPS have been a record. It has been 3 times than what we had recovered last year. So we are geared up. And ये एक जो आपने operation की बात करी, ये एक isolated operation नहीं है. We keep on doing such operations against all these antisocial elements, gangsters and drug dealers.